उदाहरण 18, विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक वर्ग सेक्शन अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा एक का एक वर्ग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक वर्ग दो पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं, अतः कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और अंत में कक्षा 12। द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्रमशः होंगी 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, उसी तरह से अंत में 12 × 3 या 3, 6, 9 और अंत में 36। यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें दो क्रमागत संख्याओं दो पदों का अंतर 3 है। 6 में हम 3 को घटाएंगे तो 3, 9 में 6 को घटाएंगे तो 3। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3 है, सर्व अंतर d बराबर 6 × 3 बराबर 3 है एवं पदों की संख्या n बराबर 12 है एवं अंतिम पद l बराबर 36 है। इसीलिए विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या समांतर श्रेणी के सभी पदों के योगफल के बराबर होंगी, अर्थात विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या के लिए हम यहाँ पे समांतर श्रेणी का योग करेंगे SN बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे N/2 A जो कि प्रथम पद है और धन L जो कि अंतिम पद है। तो S12 बराबर N का मान हमारे पास 12 है, 12/2 और A प्रथम पद 3 है, उसी तरह से L अंतिम पद 36 है, उसी तरह बराबर 12/2 जो है हमें 6 प्राप्त होगा, 12 को 2 से भाग करेंगे तो, और 3 × 36 = 39 बराबर 6 × 39 = 234। इसलिए विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए गए। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।